आज बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स अंडर 1500 रुपीज पे, और यहाँ पे ऑफर्स भी चल रहे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। बट ये वीडियो ऑफर्स तक ही वैलिड नहीं रहेगी, आगे भी आपके काम आने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल, माय नेम इज दर्शन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, ईयरबड की काफी ज्यादा डिमांड आती है, अंडर 1500 अंडर 2000 वाली टॉप 5 ईयरबड्स बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना दी जाए, और काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी ऐसी वीडियो बनाए हुए भी। तो आज मैं ऐसे 5 ईयरबड्स लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को काफी बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्लस गेमिंग भी कर सकते हो। 5th नंबर ईयरबड को बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी कभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाओगे। 5th नंबर पे जो ईयरबड है अंडर 1500, इस पे भी अभी काफी सही ऑफर चल रहा है, 1100 रुपए में ये ईयरबड आपको इजीली मिल जाता है, जो कि आता है बोट की तरफ से, बोट एटम 83। जी हाँ, इस ईयरबड के बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो आप लोगों को वही टिपिकल बोट वाला यहाँ पे केस देखने को मिल जाता है विद मैट फिनिश, मतलब स्क्रेचेस वगैरह लगने का झंझट ही नहीं। सामने आप लोगों को ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे की साइड आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ईयरबड की बात करो तो यहाँ पे भी डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा ईयरबड, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाले ईयरबड्स लगते हैं ये। मैग्नेट भी यहाँ पे केस का काफी सही है, मतलब इतनी जल्दी ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं, ये चीज बहुत सही लगी है मुझे इस ईयरबड की। वही बात करूं मैं इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को 5.1 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा, 50 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं ये ईयरबड्स, 10 मिनट चार्ज करने पे 100 मिनट प्ले टाइम ले सकते हो आप इससे। इसके अलावा आप लोगों को ENC का भी सपोर्ट मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, देख रहे हो बीस्ट मोड प्लस 50 ms लो लेटेंसी देखने को मिलता है, साथ ही साथ 13 mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी वजह से काफी पंची बेस देखने को मिलता है। मैंने खुद पर्सनली इसको यूज किया और रिव्यू वीडियो भी बनाया है मैंने इसका। इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करो तो काफी सही है, आप लोग खेल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब प्रो लेवल की गेमिंग नहीं कर पाओगे, बट हाँ इतना है कि आपका काम चला देंगे ये ईयरबड्स। बाकी आपको क्वाड माइक ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर बेटर कॉलिंग क्वालिटी। इसके अलावा यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी जबरदस्त है, सारे इंस्ट्रूमेंट काफी क्लियरली सुनाई आते हैं, बेस भी आपको बेहतरीन देखने को मिल जाता है। तो ये ईयरबड फ्लिपकार्ट पे इस टाइम 1100 रुपए में अवेलेबल है, डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप लोग बोट का कोई ईयरबड ढूंढ रहे हो तो इसकी तरफ एक बार चेकआउट कर सकते हो। 4th नंबर पे जो ईयरबड है ये आता है नॉइस की तरफ से, नॉइस VS401, इसका रिव्यू वीडियो भी बनाया था मैंने। यहाँ पे आप लोगों को स्क्वायर शेप में केस देखने को मिल जाता है, और केस की जो फिनिशिंग है वो बहुत जबरदस्त लगी है मुझे, मैट फिनिश के साथ आता है, फ्लिप ओपन है ये, मतलब फ्लिप करके आप लोग ओपन कर सकते हो इसको, अंदर से डुअल टोन देखने को मिलेगा शाइनी विथ मैट फिनिश। इसके अलावा ईयरबड की बात करूं तो यहाँ पे भी डुअल टोन ही देखने को मिलता है, अभी आप देख सकते हो जैसा कि ग्रीन एंड येलो का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसके अलावा क्वाड माइक मिल जाना है आपको, राइट लेफ्ट की मार्किंग मिल जाती है इसमें, वही वेब फिट एंड फिनिश की बात करूं तो ये भी जबरदस्त देखने को मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्राइस रेंज में आप लोगों को ऐसी ही बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, मतलब ओके यहाँ पे कहूंगा। मैग्नेट वगैरह भी इसका सही है, इतनी जल्दी केस से बाहर नहीं आते हैं ईयरबड्स। इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को 5.3 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाना है, 50 आवर्स का यहाँ पे भी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं ये ईयरबड्स, 10 मिनट चार्ज करके आप लोग 200 मिनट्स का प्ले टाइम ले सकते हो इनसे। इसके अलावा IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, यहाँ पे ENC भी प्रोवाइड किया गया है। गेमिंग की बात करूं तो 50 ms लो लेटेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, काफी सही बेस यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, साउंड क्वालिटी वगैरह भी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। बाकी अगेन वही वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, टच कंट्रोल है और हाइपर सिंक जैसे फीचर्स भी दे रखे हैं। तो इस ईयरबड को भी आप लोग ले सकते हो, बढ़िया साउंड क्वालिटी और बेटर कॉलिंग क्वालिटी चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड है अंडर द बजट, ये भी आप लोगों को 1100-1200 रुपए में ही देखने को मिलेगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आता है 3rd नंबर ईयरबड पे जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये आता है बोट की तरफ से, बोट एयरडॉस 161 प्रो, ओवल शेप में यहाँ पे आप लोगों को केस देखने को मिल जाता है विद ग्लॉसी फिनिश, काफी ज्यादा प्रीमियम से लगते हैं ये ईयरबड्स। इसके अलावा अंदर से भी आप लोगों को ग्लॉसी फिनिश ही देखने को मिलेगा। ईयरबड की बात करूं तो यहाँ पे राइट लेफ्ट की मार्किंग मिल जाती है, क्वाड माइक मिल जाना है, 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स यहाँ पे भी प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी जो प्रोवाइड करते हैं। वहीं बात करूं मैं इसके मैग्नेट की तो ये भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, मतलब इतनी आसानी से इसके ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं। यहाँ पे इसके की हाइलाइट्स की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को 5.3 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाना है, 50 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, 10 मिनट चार्ज करके 150 मिनट का आप लोग यहाँ पे प्ले टाइम ले पाओगे, जो कि काफी सही चीज लगी मुझे। इसके साथ ही साथ ENX की टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर बेटर कॉलिंग क्वालिटी, अगेन आप लोगों को हाइपर सिंक, टच कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इस ईयरबड में भी आप लोगों को बीस्ट मोड देखने को मिल जाना है, एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये भी 1100 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, तो जल्दी से ले लो, बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाना है।
यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ईयरबड है ये आता है Realme की तरफ से टेक लाइफ बर्ड्स T100। इस ईयरबड की बात करूँ तो आप लोगों को ओवल शेप में केस देखने को मिल जाता है, मैट फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे डुअल टोन में येलो एंड ब्लैक। काफी ज्यादा प्रीमियम से लगते हैं ईयरबड देखने में ही, अंदर से भी आप लोगों को डुअल टोन ही देखने को मिलता है। ईयरबड में आप लोगों को मार्किंग मिल जाएगी राइट लेफ्ट की, क्वाड माइक मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है वो भी जबरदस्त देखने को मिलती है। मैग्नेट भी इसके केस का काफी सही लगा मुझे इन सारे ईयरबड में, इतनी आसानी से केस से ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं। अदर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 5.1 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा, 28 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, 10 मिनट चार्ज करोगे तो 2 आवर्स का यहाँ पे भी आप लोग प्ले टाइम ले पाओगे इजीली। ये चीज काफी सही लगी। यहाँ पे आप लोगों को IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, टच कंट्रोल, हाइपर सिंक, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे बीस्ट मोड भी दिया गया है, ENC टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। काफी बढ़िया कॉलिंग क्वालिटी देखने को मिलती है इस ईयरबड में। 10mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जो बेस है ना वो सारे ईयरबड से सबसे बढ़िया इसी में देखने को मिलेंगे आपको। बेस के साथ साथ सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको अच्छे खासे सुनाई देते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ इसमें बेस भर दिया है और सारे इंस्ट्रूमेंट सुनाई ना आ रहे हो। ये ईयरबड भी आप लोगों को 1499 में इजीली मिल जाना है Amazon पे, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर वन पे जो ईयरबड आता है ये आता है नॉइज की तरफ से, नॉइज बर्ड्स VS104 Max। जी हाँ, इसमें आप लोगों को काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलते हैं और जो एक सबसे जबरदस्त फीचर है इसका वो है ANC का। जितने भी ईयरबड्स बताए अंडर 1500 उनमें ANC देखने को नहीं मिलता, बट इस ईयरबड में आप लोगों को ANC देखने को मिल जाता है। और ये ईयरबड आप लोगों को सिर्फ 1500 रुपए में नहीं बल्कि 100 रुपए और लगाने पड़ेंगे, 1600 रुपए तक में Amazon से आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करो तो ओवल शेप में केसिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिलता है, सामने आप लोगों को नॉइज की ब्रांडिंग, नीचे की तरफ आप लोगों को बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अंदर से भी आप लोगों को डुअल टोन देखने को मिल जाता है। ये ईयरबड काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं यार, अभी भी आप देख सकते हो, मतलब कानों में लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे 3-4 हज़ार रुपए वाला कोई ईयरबड आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा इसके की फीचर्स की बात करूं तो 5.3 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, 50 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं ये ईयरबड्स। इसके अलावा 10 मिनट चार्ज करने पर 200 मिनट का प्ले टाइम देखने को भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ANC ENC प्लस ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे लो लेटेंसी भी प्रोवाइड की गई है। अदर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को IPX5 की रेटिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ हाइपर सिंक, और यहाँ पे आप लोगों को मिलता है टच कंट्रोल का ऑप्शन, वॉइस असिस्टेंट। तो काफी भर भर के फीचर्स दिए गए हैं और प्राइस भी काफी नॉमिनल है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड है अब तक जितने भी लॉन्च हुए हैं इस प्राइस रेंज में, तो डेफिनेटली फुल्ली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, इसको आप ले सकते हो, इसीलिए नंबर वन पे भी है। बाकी जितने भी ईयरबड्स मैंने बताए, डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, और बाइंग लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिलेंगे। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।